प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर मनोविज्ञान के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज, तो ये देखिए एडमिशन UPMSP.ac.in पर भी ये आपको मिल जाएगा पेपर। और वहीं का पेपर एडमिशन आदर्श प्रश्न पत्र 2024 का मनोविज्ञान का उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा देखिए सुझाया हुआ ये मॉडल पेपर है। और निश्चित तौर पर ये पूरे मॉडल पेपर को आप देख लेते हैं तो यहाँ से लाभ आपको जरूर मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप लोग को देखना है। ऑडियो से यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं मनोविज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए 2024 का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। देखिए दोस्तों, समय आप लोग तो पता है कि समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है, और पूर्णांक जो होता है आपका 50 नंबर का होता है, यानी टोटली पेपर जो होता है उसमें प्रैक्टिकल वाला ये सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, कितने शब्दों में क्या लिखना है, प्रश्न संख्या बहुविकल्पी है, फिर निश्चित उत्तरी प्रश्न है, फिर आपका अति लघु है, फिर लघु उत्तरी है। शब्दों का देखना बहुत जरूरी है, यानी कितने शब्दों में लिखना है, शब्दों का भी देखिए चुनाव जरूरी होता है, नहीं तो पेपर छूटने का आपका चांस बना रहता है। तो जब बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में, देखिए तो पहले बढ़ते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रेणी में। जब बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रेणी में बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए पहला का प्रश्न क्या है, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता क्या कहलाती है। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता क्या कहलाती है। देखिए, पार्टिकुलरली हम लोग बात करें कि किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं अभिक्षमता बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं, अभिक्षमता बोलते हैं। तो सेकंड जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क का सेकंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है, आत्मगत, वस्तुगत, आत्मगत और वस्तुगत, इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइए कौन सा होगा, आत्मगत होगा या फिर वस्तुगत होगा, ठीक है डिस्टेंस, या फिर दोनों होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। देखिए डिस्टेंस, अगर बात करें तो देखिए पहले स्ट्रेस को हिंदी में हम लोग समझने का प्रयास करें तो इसको हम लोग हिंदी में तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, तनाव। देखिए, तनाव शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द स्ट्रिक्ट, देखिए ये जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रिक्ट, यानी स्ट्रिक्ट से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, तंग या संकीर्ण, इसका एक तरीके से होता है अर्थ, जो अगर हिंदी में देखा जाए तो कसना इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का। इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कोकीन, अफीम, स्मैक जो है, ये सभी के सभी जो है वो क्या है, मादक पदार्थों में है, जबकि मादक द्रव्य नहीं है, तो कॉफी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंग प्रश्न को बढ़ते, किसी विशेष समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए पूर्वाग्रह कहते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह की श्रेणी में रखते हैं। ये जब जब सब समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर आप लोग का स्टार्ट होता है निश्चित उत्तरी प्रश्न, यानी मनोविज्ञान में आप लोग को बहुविकल्पी की तरह ही है निश्चित उत्तरी प्रश्न भी। बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत किसने दिया, सीधा सीधा है, रोज मसीलक्ष्य परीक्षण अवस्था में कितने मसीलक्ष्य होता है, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं, मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण कौन सा है, मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण क्या है। छठवां जो प्रश्न हो जाएगा, सामाजिक स्वेच्छाचार को किसके प्रयोगों द्वारा दर्शाया गया, ठीक है दोस्तों, तो ये निश्चित उत्तरी प्रश्न आप लोगों के हो जाएंगे। जब बढ़ते हैं हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला की ओर, तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, इन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी निश्चित तौर पर उसका सोल्यूशन जो है या उसका डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ अवश्य रूप से करूंगा। एक बार इन प्रश्नों को तैयार करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी आपके प्रॉब्लम करने वाले आपको प्रश्न होंगे कमेंट बॉक्स में उनका राय जरूर दीजिएगा, मैं निश्चित तौर पर उसका जो डिस्कशन है आप लोगों के साथ अवश्य करूंगा। किस प्रकार सृजनात्मकता बुद्धि से संबंधित होती है, अहम रक्षा युक्तियों से आप क्या समझते हैं, दबाव क्या है, इसी प्रकार देखिए 10वां 11वां और 12वां प्रश्न भी हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो ये लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला मिलती है हम लोगों की, लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला, तो यहाँ पर देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये सभी के सभी जो प्रश्न है वो लघु उत्तरी है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है, मानवतावादी उपागम का वर्णन कीजिए, पूर्वाग्रह क्या है, किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक काम काज पर दबाव के क्या प्रभाव होते हैं, व्यवहार चिकित्सा में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए, समूह व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही पॉपुलर ये क्वेश्चन है, 19वां प्रश्न, बुद्धि को परिभाषित कीजिए तथा
बहुबुद्धि के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए रिसन थार्नडाइक साहब जो दिए हुए थे उन पर बकायदे अच्छे से व्याख्यान देना है। व्यक्तित्व से क्या आशा है, इसके विशेषक शील गुण उपागम का वर्णन करना है। देखिए रिसन ये थोड़ा सा आपका वो वही है द्वितीय प्रश्नों में, तो 19वां 20वां 21वां। देखिए इन प्रश्नों को जब करते हैं आप तो इनका चुनाव अच्छे से कर लिया करिए कि जो इसका अति लघु है मतलब ये पूरा का पूरा दोनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिए, अथवा वाले भी और पहले वाले भी, जिस पर आपको बेहतर तरीके से आ रहा है आप उन्हीं प्रश्नों पर प्रभाव डालिए या उन्हीं प्रश्नों को आप स्टार्ट करिएगा लिखने के लिए। 2 से जब 15 मिनट आपको मिलता है रिसोर्स, तो 15 मिनट में आप अच्छे से पेपर को देख लिया करिए। देखिए पहली बात तो समय बिल्कुल भी नहीं है अब आप लोगों के पास बचा हुआ, दिसंबर आपका चल ही रहा है, धीरे धीरे दिसंबर समाप्त हो जाएगा, बाद में जब बचेगा जनवरी जिसमें आप लोग का प्री बोर्ड है, बाद में फरवरी में आपका बोर्ड है, तो बिल्कुल भी समय नहीं है। चपकर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर पढ़िए, और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए अपने इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गए से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।